नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल में किस तरीके से मासूम लोगों को, बुजुर्गों को, बच्चों को भी हालांकि कई बार ऐसे ठगी का शिकार बना लिया जाता है, लेकिन आपको ठगने वाले कहीं बाहर नहीं आपको मिलेंगे, बल्कि आपको बैंकों में बैठे हुए ही कुछ लोग कई बार ठग लेते हैं। हालांकि ये जिनकी तस्वीर ये हाथ में लिए खड़े हैं, क्योंकि ये खुद SBI बैंक यानी कि खाता धारक हैं, SBI में इनका अकाउंट है, और इनका कहना यह है कि जो इन्होंने एक 3 लाख रुपये की FD करवाई थी, वो 3 लाख रुपये इनके कहाँ साफ हो गए, इन्हें खुद भी नहीं पता चलता है। सर, ये किन की तस्वीर है जो आप हाथ में लिए खड़े हैं, और ये कौन है? ये बैंक कर्मचारी हैं, कोई बाहर के एजेंट हैं, ये है कौन, और इन्होंने आपको लालच क्या दिया था? बस लालच ये दिया था, भाई कॉपी में ब्याज कम आ रहा है आपकी, ये क्या, इसमें कुछ नहीं है, और मुझे सारा पता है इसके बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयंद्रैन। कहाँ से हैं सर आप? विलेज उचाना से। कब हुआ ये, कब की ये बात है? पिछले शनिवार, पिछले 3 तारीख। 3 तारीख कौन से बैंक में आप गए थे? SBI मेन में। SBI मेन, ये इधर है जो माल रोड पर है। जी हाँ। फिर गए, फिर क्या हुआ? तो मैं वहाँ जाके मैंने एंट्री कराया के काफी बैठ गया मैं, फिर वो कोई आदमी था वो मेरे नजदीक आ गया, फिर कहने लगा यही है वो आदमी। हाँ यही है, यही आदमी था। ये बैंक कर्मी है, कौन है? नहीं, ये वो ये कहता जी मैं तो अकाउंटेंट था किसी महकमे में। अच्छा, वैसे ये बैंक में मिले आप? बैंक में मिला जी मेरे को। तो इसने अड़जा लिया मेरे को, भाई ये ब्याज कमा रहा फलाना, ये मीन को क्या पता। ये चेक करी इन्होंने? हाँ, देखता रहा ना कॉपी में, ये तो कुछ नहीं है, ये देखो ये फलाना जिम का, और आपका ब्याज अच्छा दवाएंगे और इसकी ठीक करेंगे इसको, और आप और भी है पैसा आपका कोई अकाउंट में। कितने पैसे हैं आपके अकाउंट में? वो कहने नहीं, वो कहने उसमें तो 40,000 रुपये थे, 40-41,000 रुपये थे। फिर कहता जी से गए थे वो बैंक, तो मैं इसलिए गया था जी अपनी पेंशन के बारे में, कि भाई मेरे पैसे कटते थे, अब मेरा टाइम पूरा हो गया, अब पैसे नहीं कटने चाहिए मेरे। FD कितने? FD 270 की थी, और कुछ पैसे मेरे अकाउंट में थे, उसने वो FD तड़वा दी मेरी। क्यों तड़वाई, किस नाम से? उसने तड़वाई, भाई दोबारा ब्याज आपको अच्छा मिलेगा। ये क्या अच्छा मिलेगा? हाँ। कि ये कहा था कि मेरे पास कहीं FD करवा दो, ऐसा कुछ था? नहीं, कुछ और मैं FD दोबारा बनवाता देता हूँ आपकी, यही बन जाएगी। हाँ हाँ, और अच्छा ब्याज मिलेगा फिर आपको। ये है, उसने तड़वा दी, तड़वा के जो है ना पैसे भी विदड्रॉ हो गए। ऑफर दिया था और साइन वगैरह भी करवाए थे आपकी किसी? हाँ, साइन तो करवाए थे जी, साइन तो FD तड़वाई जब भी करवाए, और आधार कार्ड की कॉपी और पैन कार्ड की कॉपी वो भी ले ली भाई ये, और अपनी मेरी फ़ोटो भी ले ली एक, और ये सारी कार्रवाई करके और पैसे मतलब मेरे खाते में आ गए, मतलब तड़वा दी ना FD। हाँ, फिर आपके खाते में आए, फिर उसके तो, बाद क्या हुआ? फिर, जब FD आपने तड़वा ली, पैसा आपके खाते में आ गया, खाते में आ गया, फिर उसने जी एकदम वो कॉपी पूरी कराई दोबारा मशीन में, फिर उसमें आ गए भाई अब ये इसमें 3,18,000 कुछ बनेंगे पैसे टोटल। फिर कहते चलो पैसे निकलवाते हैं, फिर दोबारा जमा कराएंगे। बस वो कैसे निकलवाए थे पैसे? पैसे जी चेक बुक द्वारा, चेक बुक से पैसे निकलवाए। हाँ, चेक बुक भर के और उससे पैसे निकलवाए। कहाँ है वो पैसे अभी? वो पैसे लेके थैले में डाल दिए मेरे, फिर मेरे साथ साथ आ गया, तो कहने लगा आप तो ये दोबारा दरखास्त लिखो यहाँ बैठ के, और मैं ये पैसे जमा करा देता हूँ। बस उन्हें पैसे लेके मेरे से वो थैला और अपना काउंटर की तरफ चला गया, मैं अपना वो दरख्वास्त लिखने लग गया, दरख्वास्त खुद लिख लो कि मैं लिख ली मैंने, तो आ गया, मैंने जमा करा दिए पैसे, जमा करा दिए, तो आ थोड़ा एक मिनट बाहर बाहर ले आया मेरे को बैंक से, आके मेरे को बस ये दे, आके मेरे को रसीद थमा दी, और ये मेरी पासबुक, कहता इसकी फोटो कापी लिया करा के मेरे को बोला, मैं फोटो कापी कराने चला गया जी, वो भाग गया बस पीछे। इसमें एंट्री है ये 3 तारीख की है जी, 3,10,000 की है, 3,10,000 की 3 तारीख की बात आई है पिछले। आप बेटे हैं? हाँ जी। किस महकमे से रिटायर्ड हैं? ये PWD से। PWD से, यानी कि आप ये समझिए गवर्नमेंट ऑफिशियल रहे हैं किसी समय पर, और पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन इनके साथ भी इतनी बड़ी धोखाधड़ी हुई है? धोखाधड़ी हुई है, बिल्कुल ऐसा भी किया, हिप्नोटाइज भी किया कुछ ऐसा। कितने पैसे चले गए अभी? 3,10,000 रुपए। 3,10,000? हाँ जी। तो यही शख्स थे जो? ये शख्स थे जी, और उसमें फुटेज में भी आया हुआ है जो पैसे ने जेब में डाले अपनी, उसकी बैंक की फुटेज में भी आया हुआ है, जो स्टैंप लगाई है, जो फर्जी स्टैंप लगाई है। तो बैंक में आप दोबारा गए पता करने की ये शख्स हैं कौन है, बैंक कर्मी हैं कौन है? गया जी, उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो कहते मखे रसीद थमा दी मेरे को जी, बैंक की मोहर लग रही इस पे सारा कुछ, कहता ये तो हमारे साइन तो नहीं इस पे। पुलिस ने कंप्लेंट दी? हाँ, FIR कराई है जी।
सिविल थाने में। एफआईआर हुई है, उसके बाद पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है क्योंकि बंदे की तो शक्ल भी आई है? कार्रवाई तो करी है जी उन्होंने, मतलब वो फुटेज वगैरह ली बैंक से जाके और कैमरे भी चेक करे। बैंक के कैमरे में तो है मैडम वो, लेकिन बाहर वाले कैमरे में किसी में नहीं है। किस तरफ एफडी के पैसे थे? एफडी के कुछ पेंशन आती है, कुछ काम के लिए रखे हुए थे ये बस। ये था भाई बच्चों के काम आएंगे अपना, लेकिन भी काम नहीं आए, बस किसी के काम नहीं आए। ये तो किसी के भी काम नहीं आए। सोचा था अंकल जी ने कि बच्चों के कभी ये 3 लाख के आसपास की रकम है जो कभी काम आएगी, बच्चों के ऊपर लगाएंगे, किसी की आगे शादी करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि पैसे अब इनके हाथ में नहीं है क्योंकि पैसे लेकर ये बंदा जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो व्यक्ति हैं जो बैंक में इन्हें मिले थे, इनकी शक्ल हालांकि थोड़ी सी ब्लर फोटो ये ज़रूर है, लेकिन जो इन्हें जानते हैं इस व्यक्ति को वो शक्ल आराम से पहचान पाएंगे। और अगर इनके बारे में आप कोई भी जानकारी यानी कि आपको मालूम है तो आप 9355800002 पर भी जानकारी। मैंने ये पूछा कहाँ रहते हो, कहते आर के पुरम 6 नंबर गली में। आपको क्या लगता है, सच थोड़ी बताया होगा? इतनी बड़ी अगर जो धोखाधड़ी कर रहा है इंसान, मैं तो मुझे क्या भी वहीं रहता होगा सर। और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में काम करता था अकाउंटेंट का। तो इन होने वाली ठगियों से जरूर बच के रहें और अपने आप को सावधान रखें भी और सतर्क भी रहें। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं आई 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।